हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने पोहा रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए आप, मैंने पोहे ले लिए हैं, उनको मैंने एक छलनी में डाला है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालूँगी और इसको सूखने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए आप, अब हमारा पोहा भी सूख के रेडी हो चुका होगा। ये देखिए आप, सूख चुका है। प्याज टमाटर और मटर को काट के रेडी कर लिया है। अब हम एक फ्राइंग पैन में ऑयल गरम करेंगे। हमने इसमें जीरा डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज को ऐड करेंगे। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम ये टोमेटो मटर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च, ये तीनों मसाले इसमें डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये देखिए, अब ये सारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद हम इसमें पोहा डालेंगे। अच्छे से सारा पोहा डाल के अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड 2 से 3 मिनट तक बस इसको चलाएंगे। उसके बाद हमारा पोहा बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए आप, अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। देखिए आप, कितना अच्छा येलो कलर आया है। मटर, टमाटर, ये सब कितना गार्निश किया हुआ सा लग रहा है। अब ये बनके रेडी है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। आप इसको दही के साथ भी खा सकते हैं। ये देखो, मैंने इसको ग्रीन चिल्ली से गार्निश किया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।